हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपने जो डेली करंट अफेयर के साथ। दोस्तों देखिए, 10 मिनट की वीडियो कम से कम होगी, तो ये 10 मिनट आपको देना होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स बताऊँगा, यानी अतिरिक्त जानकारियाँ दूंगा। अगर आप उसको लिखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप रेगुलर इन क्वेश्चन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस लेके जाएंगे, जो कंफर्म आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम देशन दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम देने रहे हो, आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में रेलवे द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस गैलरी कहाँ खोली गई है? रिसेंटली वेयर इज़ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस गैलरी ओपन बाई द रेलवे? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, दिल्ली है, कानपुर है, मुंबई है या फिर नोएडा है। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है मुंबई। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुंबई में रेलवे द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस गैलरी है वो खोली गई। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, रेलवे मिनिस्टर, सबको पता है कि रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके अलावा पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, तो वो बनी है गुजरात में, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वीके यादव, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीके यादव हमारे करंट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो कि पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कंफर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए, बाकी जो ऑप्शंस बच गए, दिल्ली से कानपुर से और नोएडा से क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए, दिल्ली से तो क्वेश्चन आज आपको दिखेगा। अभी हाल ही में पता है आपको कि दिल्ली में जो है कि मोबाइल लाइब्रेरी बसें चलाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। दिल्ली से सिग्नेचर ब्रिज आप ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो हो जाएगा आपका जो होगा वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनिल बैजल, जो कि पूछे जा सकते हैं। कानपुर बात कर लें दोस्तों, तो कानपुर से हमारे राष्ट्रपति बिलोंग करते हैं, बस कानपुर जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में आता है कानपुर। ठीक है, नोएडा से देखिए, नोएडा से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नोएडा में ही सैमसंग ने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है। ध्यान रखिएगा, नोएडा में सैमसंग ने दुनिया की अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था मुंबई। हाल ही में रेलवे द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस गैलरी कहाँ खोली गई, तो वो मुंबई खोली गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। मैं यही कहूँगा, आप रेगुलर रहिए। ठीक है, मैं रेगुलर ही वीडियो डालूंगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जब भी मैं इसमें नेक्स्ट लेसन ऐड करूँ, ठीक है, यानी रेगुलर अगर आपको मैं वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जाए, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि पहली बार भारत अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास इंड स्पेस एक्स का संचालन करने की घोषणा किसने की? देखिए, अच्छा क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस द कंडक्ट द स्पेस फॉर एक्सरसाइज इंड स्पेस एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो देखिए, ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इसरो है, DRDO है, रक्षा मंत्रालय या फिर CSIR। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे रक्षा मंत्रालय ने, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पहले वो रक्षा मंत्रालय होगा, अभी हमारे रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी है कि वो तीनों सेनाओं के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के साथ मिलकर ये जो होगा आपका सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास इंड स्पेस एक्स का संचालन करने को तैयार है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा। इसमें बेसिकली जो है कि अभ्यास में क्या देखा जाएगा कि हमारे जो आसन्न खतरे का आकलन करने के लिए देखना होगा कि भविष्य की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं कि नहीं पूरे तरीके से, मान लीजिए अगर कोई चांसेस आते हैं। तो इस वजह से रक्षा मंत्रालय ने इंड स्पेस एक्स जो है अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और करंट में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो सबको पता होगा, राजनाथ सिंह जी करंट में हमारे रक्षा मंत्री, ये तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा तीनों सेनाओं की बात कर लें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि विपिन सिंह रावत जो हैं हमारे आर्मी हेड हैं। ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। BS धनोवा जी की बात कर लें तो एयरफोर्स हो गए, और करमवीर सिंह जी की बात कर लें तो वो कौन हो गए, तो वो नेवी के हो गए। ध्यान रखिएगा, करमवीर सिंह किसके हो गए, तो वो नेवी के हो गए, ये तीनों ध्यान रखिएगा। और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो सेनापति होता है। तो इतने क्वेश्चन तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से मिल गया। अब एडिशनल डिटेल्स में देखिए, इसरो आपको पूछा जा सकता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा K-7G इसके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी अध्यक्ष, यानी प्रशासक हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा। तो इतना कम से कम ध्यान रखिए। अभी चंद्रयान 2 भी इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया। DRDO की बात कर लें तो DRDO के हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी जी। 1958 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और करंट में जो विक्रम जी सतीश रेड्डी जी हैं, इसके हेड हैं, ये ध्यान से आपको रखना है, पूछा जाता है। उसके अलावा दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, तो ये पूछा जा सकता है।
CSIR की बात कर लें दोस्तों, तो ये होता है आपका सेंट्रल स्पेस इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके जो हेड हैं वो हैं शेखर मंडे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा करी है कि अंतरिक्ष युद्धाभ्यास एंड स्पेस एक्स का संचालन उनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाएं हमारी भाग लेंगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में मोबाइल लाइब्रेरी बसों का शुभारंभ कहाँ किया गया है, वेयर हैव द मोबाइल लाइब्रेरी बसेज लॉन्च रिसेंटली। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास चार हैं, तेलंगाना, मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात। तो देखिए जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका दिल्ली। दिल्ली में हमारे जो अभी वर्तमान में जो टूरिज्म मंत्री हैं और हमारे जो सांस्कृति मंत्री हैं, यानी हमारे पर्यटन मंत्री और सांस्कृति मंत्री, जिनका नाम क्या है, तो प्रहलाद पटेल जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रहलाद पटेल जी जो हैं उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया और दिल्ली में मोबाइल लाइब्रेरी बसों का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा घर घर दस्तक, ठीक है, करके इसको जो है थीम दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको मे भी पूछा जा सके, ठीक है। ध्यान रखिएगा घर घर दस्तक करके दिया गया है, जो कि और घर घर पुस्तक, घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक करके इसको टैगलाइन दिया गया है, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बाकी जो ऑप्शंस उनके बारे में बात करें, तेलंगाना, देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि तेलंगाना ने पहली जो है मेडिसिन फ्रॉम स्काई करके, ठीक है, आपको एक ड्रोन स्टार्ट किया है जो मेडिसिन बेसिकली डिलीवर करेगा मुंबई से। अभी हमने क्वेश्चन देखा कि भारत रेलवे ने अपनी पहली लाइब्रेरी, उसके अलावा अंगारिया क्रूज जो मुंबई से आपका गोवा चलेगा, ये पूछा जा सकता है। गुजरात से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे रेलवे यूनिवर्सिटी हो गया, और आपका अभी हाल ही में वहाँ पे आपका जो है कि पहला डायनासोर म्यूजियम खुला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। डायनासोर का पहला म्यूजियम हो गया, और स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, 10% रिजर्वेशन लागू करने वाला पहला राज्य हो गया। तो इतने क्वेश्चंस आपके गुजरात से भी फिलहाल बन सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ध्यान रखिएगा दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा, ये कर लीजिएगा कि किसे भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द भारत गौरव अवार्ड। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं हिमा दास, कपिल देव, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो हैं कपिल देव जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कपिल देव को फुटबॉल ईस्ट जो क्लब ईस्ट बंगाल है उनके द्वारा 1 अगस्त को, यानी लास्ट 1 अगस्त जो बीता है आपको, उस दिन उनका जो ईस्ट बंगाल का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत गौरव, उससे सम्मानित किया जाएगा। किसको? कपिल देव को। और ये उपलब्धि उन्होंने जो 1983 में पहला विश्व कप दिलाई थी ना, उसी के तहत ये है, ध्यान रखिएगा। और 92 में ही 1992 में ही कपिल ने बंगाल के साथ, ईस्ट बंगाल के साथ करार भी किया था, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये कपिल देव जी को अभी भारत गौरव जो पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल का जो कि होगा सर्वोच्च सम्मान होगा, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके अलावा कपिल देव दोस्तों जो है आपका, आपको पता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाने जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। हिमा दास की बात करें दोस्तों, तो इनके बारे में क्या बात करी जाए, हिमा दास जी के से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार हो गए, अभी लगातार 19 दिनों में इन्होंने 6 मेडल जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यूनिसेफ ने इनको यूथ अम्बेसडर बनाया है, ये पूछा जा सकता है। असम के धिंग से बिलोंग करती हैं, इस वजह से इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो ये बन सकता है। रोहित शर्मा की बात कर लें दोस्तों, तो अभी जो हमारा वर्ल्ड कप बीता है इंग्लैंड और वेल्स में, वहाँ पर रोहित शर्मा को गोल्डन बैट दिया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि सबसे अधिक रन बनाए थे इन्होंने, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करें दोस्तों, तो अभी हाल ही में उनको हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया और 6वें भारतीय हो गए हॉल ऑफ फेम से सम्मानित होने वाले। तो ध्यान रखिएगा इनको किया गया है, साउथ अफ्रीका के जो एनल डोलॉन्ड है बॉलर, उनको किया गया, और कैथलीन करके एक ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, फीमेल प्लेयर, उनको किया गया। इन तीन लोगों को इस बार 2019 में जो है कि हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कपिल देव, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस न्यूज चैनल ने चैंपियंस ऑफ द एपैथी का अवार्ड जीता, विच न्यूज चैनल हैज़ वॉन द चैंपियंस ऑफ द एपैथी अवार्ड रिसेंटली। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं पीपी न्यूज़, डीडी न्यूज़, इंडिया टीवी या फिर आज तक। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है डीडी न्यूज़। ध्यान रखिएगा डीडी न्यूज़ को अभी हाल ही में जो है कि चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा चैंपियंस ऑफ एम्पैथी का अवार्ड किसको मिला है, तो वो डीडी न्यूज़ को मिला है। और दिया किसने, तो लोकसभा जो अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया है। बेसिकली इन्होंने जागरूक किया था जो हमारी
DDO ने जो चैनल होता है उन्होंने हेपेटाइटिस के खिलाफ जो है उनको लोगों को जागरूक किया था, तो इस वजह से DDO न्यूज़ को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियंस ऑफ द एम्पैथी का अवार्ड दिया गया है। और हमारे लोकसभा जो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा किसने सम्मानित किया है। तो लोकसभा जो स्पीकर है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया DDO न्यूज़ को चैंपियंस ऑफ द एम्पैथी, और फिलहाल बेसिकली ये जो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में फागु चौहान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे ही बता दूं। देखिए रिसेंटली फागु चौहान वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो वो बने हैं बिहार के। ध्यान रखिएगा बिहार के फागु चौहान, बिहार के जो अभी गवर्नर बने उनको किसको बनाया गया, तो वो फागु चौहान जी को बनाया गया। जबकि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा लालजी टंडन, जो पहले बिहार के जो हुआ करते थे जो है कि राज्यपाल, उनको मध्य प्रदेश का बनाया गया। उत्तर प्रदेश की कौन बन गई, तो आनंदीबेन पटेल, पूछा जा सकता है आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने, तो जगदीप धनखड़, ध्यान रखिएगा जगदीप धनखड़ को जो है कि पश्चिम बंगाल का बना दिया गया। उसी तरह दोस्तों एन रवि को नागालैंड का बना दिया गया, रमेश बैस को त्रिपुरा का बना दिया गया, हरिचंद्रन जी को, विश्वास भूषण हरिचंद्रन जी को जो है कि आंध्र प्रदेश का बना दिया गया, कलराज मिश्र जी को जो है कि हिमाचल प्रदेश का बना दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारे ही ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का अनसुईया ओकोवे जी को बना दिया गया, तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर पूछे जाएंगे जितना मैंने बोला है। तो पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, मैं 100% बता रहा हूँ आपको कि पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को मिला। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है तो ये सबको ही पता चल गया होगा इस बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस भारतीय को मिला है, तो वो मिला है रविश कुमार जी को। बेसिकली NDTV के पत्रकार हैं रविश कुमार जी, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने रविश कुमार जी का, स्टूडेंट तो सारे ही जानते होंगे रविश कुमार जी को, ठीक है। और उसके अलावा देखिए बाकी नामों की बात के बारे में बात करें दोस्तों, तो भरत वटवानी और सोनम मंगचू को 2018 में मिला था, ठीक है, लेकिन किसको मिला है, तो वो रविश कुमार जी को मिला है। और गोपाल कृष्ण गांधी जी को अभी हाल ही में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला था 2018 में, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रविश कुमार जी, ध्यान रखिएगा। 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे मिला, किस भारतीय को, तो वो मिला रविश कुमार जी को। रमन मैग्सेसे को ध्यान रखिएगा एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हु नोन एज द एशियाज नोबल प्राइज, तो वो है आपका रमन मैग्सेसे, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, और रविश कुमार जी को इस बार एशिया का नोबल पुरस्कार जिसको कहा जाता है यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और कन्फर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रविश कुमार जी बेसिकली NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स रिसेंटली, तो देखिए ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं भारत, अमेरिका, रूस या फिर ब्राज़ील। तो दोस्तों जो हुई है वो हुई है ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स जो है ना, इसमें आपको पूछा जाता है ब्रिक्स बेसिकली है क्या, तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स जो है ना वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, ठीक है। उभरती जितनी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपका बी से ब्राज़ील हुआ, आर से आपका रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया यानी भारत हो गया, सी से चाइना हो गया, और एस से क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। 2010 से साउथ अफ्रीका को इस ऐड किया गया, इससे पहले ये ब्रिक नाम से जाना जाता था, तब जो है कि आपका साउथ अफ्रीका नहीं था, लेकिन अब 2010 से साउथ अफ्रीका को भी जो है कि ऐड कर लिया गया। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है आपको, इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको जिसकी स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी, और इसके सदस्य कितने हैं तो वो आप काउंट भी कर सकते हैं, ब्रिक्स से ही आप टोटल 5 सदस्य हैं। कौन कौन से, ब्राज़ील, ठीक है, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा, यही दोस्तों मैं कहूँगा, लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं रेगुलर ही आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जल्दी मैं लाइव सेशंस आपको लेके आऊँगा। यकीन मानिए आपको इस चैनल से बहुत सारी अगर उम्मीदें हैं तो मैं उस उम्मीदों को जल्दी ही पूरा करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम आपको कल कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ।